हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लगान का आधुनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राचीन सिद्धांत था, क्लासिकल थ्योरी जो थी रिकार्डो की। रिकार्डो मानता है कि लगान केवल भूमि को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भूमि का जो उपजाऊपन है उसमें अंतर पाया जाता है और दूसरा भूमि की पूर्ति सीमित होती है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, बोल्डिंग, बेनहम, ये क्या बताते हैं कि उत्पादन के सभी साधन जैसे भूमि के अलावा पूंजी, श्रम, साहस, इनको भी लगान मिल सकता है। मतलब भूमि के साथ साथ में पूंजी, श्रम, साहस, इन सभी साधनों को लगान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, जबकि रिकार्डो ने क्या बताया था कि लगान केवल भूमि को मिलता है, और आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि लगान उत्पादन के सभी साधनों को मिल सकता है। और क्यों मिलता है, उन्होंने क्या बताया, लगान साधन की विशिष्टता या सीमितता के लिए दिया गया पुरस्कार है। ठीक है, लगान क्यों मिलता है, क्योंकि साधनों में विशिष्टता का गुण होता है, सीमितता का गुण होता है, इस कारण से लगान की प्राप्ति होती है। अब हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं। जैसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने क्या बताया, लगान के विचार का सार वह बचत या आधिक्य है जो किसी साधन की एक इकाई उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है जो साधन को अपने कार्य में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब साधन की जो वर्तमान आय है और जो अवसर लागत है उसका अंतर क्या कहलाता है, लगान, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार। और प्रोफेसर बेनहम क्या कहते हैं, उत्पादन का एक साधन अपनी हस्तांतरण आय से जो कुछ भी अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, एक साधन की जो अवसर लागत होती है जो किसी द्वितीय श्रेष्ठ प्रयोग में उसको मिल सकती है, उससे अधिक आय जो भी अर्जित करता है प्रोफेसर बेनहम, उसे क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। तो इसका मतलब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन या बेनहम की परिभाषा देखते हैं हम, तो उससे हमको क्या पता चलता है, लगान क्या होता है, वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। ठीक है, लगान का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, लगान बराबर वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। ठीक है, वर्तमान आय क्या होती है, जो कोई साधन अपने वर्तमान कार्य में प्राप्त करता है, और हस्तांतरण आय इसे हम क्या कह सकते हैं, साधन की अवसर लागत। ठीक है, जिसे वो किसी अन्य कार्य में प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अवसर लागत या हस्तांतरण आय। सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसकी आय को क्या कहा जाता है, अवसर लागत, जिसका वो त्याग करता है वर्तमान, कहीं जहाँ कार्य कर रहा है वहाँ पर उसको लिए त्याग कर रहा है वो। ठीक है, जैसे माना कि एक व्यक्ति के पास में दो ऑप्शन है, ए और बी। अगर वो ए जगह काम करता है, बी जगह काम नहीं कर सकता, दोनों में एक साथ काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ए से उसकी आय कितनी है, माना कि 10,000 रुपये, और बी से उसको कितने मिल रहे हैं, 20,000। तो इस स्थिति में जो साधन है वो कहाँ पे काम करना पसंद करेगा, बी यहाँ पे। तो इस स्थिति में उसकी अवसर लागत क्या होगी, इस ए ऑप्शन में जो उसको कितना मिल रहा था, 10,000, जिसका उसने त्याग किया गया है। ठीक है, तो आधुनिक अर्थशास्त्री क्या बताते हैं, लगान वर्तमान आय और हस्तांतरण आय का अंतर होती है। अब इस सिद्धांत का जो आधार है वो प्रोफेसर वॉन विजर का जो साधनों का वर्गीकरण है वो है। ठीक है, मतलब वॉन विजर जो है उन्होंने साधनों का जो वर्गीकरण है दो भागों में किया है। ठीक है, पहला क्या है, पूर्णतया विशिष्ट साधन, और दूसरा है पूर्णतया अविशिष्ट साधन। तो ध्यान रखना है कि विशिष्ट साधन किसे कहा जाता है, ऐसा साधन जो केवल एक ही कार्य कर सकता है। ठीक है, केवल वो एक ही कार्य में स्पेशलिस्ट है, दूसरा कार्य वो जानता ही नहीं है, दूसरा कार्य उसको नहीं आता है, और दूसरा कार्य जब उसको नहीं आता है तो उसकी जो अवसर लागत है, जो हस्तांतरण है, वो कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो पूर्णतः विशिष्ट साधन क्या होता है, ऐसा साधन जो केवल एक ही कार्य जानता है और उसकी हस्तांतरण आय शून्य होती है। दूसरा हमारा है पूर्णतया अविशिष्ट साधन। ठीक है, ऐसा साधन जिसका कई कार्यों में, सभी कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्णतया अविशिष्ट साधन, और ऐसी स्थिति में उसकी जो वर्तमान आय होती है वो ही उसकी हस्तांतरण आय, अवसर लागत होती है। मतलब वर्तमान आय और हस्तांतरण आय दोनों अगर समान है तो ऐसा साधन क्या होता है, पूर्णतया अविशिष्ट।
अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, ठीक है। हमारा लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि उत्पादन के साधनों को जो लगान की प्राप्ति होती है वो साधनों की विशिष्टता के ऊपर निर्भर है। लगान कितना मिलेगा वो किसके ऊपर निर्भर है कि साधन कितना विशिष्ट है अथवा अविशिष्ट। साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा उसे लगान की प्राप्ति उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। जो साधन ज़्यादा विशिष्ट होता है उसको लगान की प्राप्ति अधिक होती है, कम विशिष्ट है तो उसको लगान की प्राप्ति कम होगी, और साधन अगर पूर्ण रूप से अविशिष्ट है तो उसको लगान की प्राप्ति नहीं होगी। अब लगान की इस अवधारणा को हम आधुनिक सिद्धांत को इस एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि लगान बराबर क्या होता है, वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। तो इसमें हमने चार स्थितियां ली हैं। पहली स्थिति हमारी है कि साधन जो है उसकी वर्तमान आय कितनी है, माना कि 2,000 रुपये, और उसकी हस्तांतरण आय कितनी है वो भी अगर 2,000 रुपये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साधन की वर्तमान आय और हस्तांतरण आय दोनों समान है, तो इसका मतलब साधन कैसा है, पूर्णतया अविशिष्ट। और जब साधन पूर्णतया अविशिष्ट होता है तो उसको लगान की प्राप्ति नहीं होती है। वर्तमान आय और हस्तांतरण आय दोनों समान है, दोनों का अंतर कितना है, शून्य, इसलिए पूर्णतया अविशिष्ट साधन को लगान की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा हमारा है जब वर्तमान आय है 2,000 रुपये और हस्तांतरण आय कितनी है, शून्य, इसका मतलब साधन केवल वर्तमान कार्य वही जानता है, दूसरा कार्य वो नहीं कर सकता है, तो दूसरे कार्य में उसकी अवसर लागत जो है वो कितनी है, शून्य। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान आय जो 2,000 रुपये है वही साधन का लगान है, ठीक है। तो इस साधन को हम क्या कहते हैं, पूर्णतया विशिष्ट साधन, क्यों, क्योंकि इसकी हस्तांतरण आय कितनी है, शून्य। तो वर्तमान आय में से हमने हस्तांतरण आय को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2,000, जो वर्तमान आय के बराबर है, मतलब साधन को वर्तमान आय के बराबर लगान की प्राप्ति हो रही है। तीसरी स्थिति हमारी है कि जब साधन की वर्तमान आय कितनी है, 2,000, लेकिन उसकी हस्तांतरण आय कितनी है, 1,500 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साधन आंशिक रूप से विशिष्ट है या आंशिक रूप से अविशिष्ट है, मतलब एक कार्य वो अच्छे से कर सकता है लेकिन दूसरा कार्य भी वो कर सकता है थोड़ा बहुत। ऐसी स्थिति में जो उसकी हस्तांतरण आय है वो वर्तमान आय की तुलना में कम है, और दोनों का जो अंतर होगा ये 2,000 और 1,500 में कितना अंतर है, 500 का। तो साधन को अभी कितना लगान मिल रहा है, 500, मतलब आंशिक विशिष्ट साधन को लगान थोड़ा कम मिलेगा। और चौथी स्थिति हमारी है कि साधन की वर्तमान आय कितनी है, 2,000, जबकि उसकी हस्तांतरण आय कितनी है, 3,000। तो ऐसी स्थिति में लगान कितना होगा, 3,000 माइनस 2,000 बराबर 1,000, मतलब साधनों को जो लगान मिल रहा है लगान का मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2,000 में से हम 3,000 को माइनस कर दें और -1,000, ठीक है। लगान का मूल्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब साधन को अपने अवसर लागत जहाँ दूसरे प्रयोग में उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो इसी स्थिति में साधन इस कार्य को छोड़कर यहाँ चला जाएगा। यहाँ जाने के बाद में उसकी वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, 3,000, और जो उसकी हस्तांतरण आय है वो कितनी रह जाएगी, 2,000, और फिर उसको 1,000 लगान की प्राप्ति होगी, ठीक है। चौथी स्थिति में क्या है कि साधन की हस्तांतरण आय ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में साधन अपना जहाँ पे भी वो कार्य कर रहा है उस कार्य को छोड़ के वो अपने वैकल्पिक प्रयोग में चला जाएगा, और वहाँ जाने के बाद में उसकी वर्तमान आय हो जाएगी 3,000 और हस्तांतरण आएगी 2,000, और ऐसी स्थिति में उसे 1,000 लगान मिलेगा। अब इस स्थिति को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो पहली स्थिति हमारी थी पूर्णतया अविशिष्ट साधन, और जो साधन पूर्णतया अविशिष्ट होता है उसकी पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया लोचदार होती है, और पूर्णतया लोचदार को हम ओ एक्स अक्ष के समानांतर बनाते हैं इस तरीके से। ये हमारा पूर्ति वक्र हो गया, फिर ये हमारा मांग वक्र है, और ई बिंदु पर दोनों बराबर है, ठीक है। ऐसे इसमें संतुलन की स्थिति कहाँ पे होगी, ई बिंदु पर। अब हम इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो साधन की जो वर्तमान आय है वो कितनी है, ओ एस ई क्यू के बराबर, ठीक है। ओ एस ई क्यू ये क्या है, उसकी वर्तमान आय, और उसकी हस्तांतरण आय भी कितनी है,
ओ एस ई क्यू के बराबर ही है, ठीक है। वर्तमान आय और हस्तांतरण आय दोनों समान है, क्यों? क्योंकि साधन क्या है, पूर्णतया अविशिष्ट। तो ऐसी स्थिति में साधन का जो लगान है वो कितना होगा, वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय, दोनों सेम है इसलिए कितना आएगा, शून्य। मतलब साधन को लगान की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है, जब साधन कैसा है, पूर्णतया अविशिष्ट तब। दूसरी स्थिति हमारी है कि जब साधन पूर्णतया विशिष्ट होता है, और पूर्णतया विशिष्ट साधन की पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया बेलोजदार होती है, ठीक है। और जब पूर्णतया बेलोजदार होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि साधन की जो हस्तांतरण आय है, जो अवसर लागत है, वो कितनी है, शून्य, ठीक है। जब साधन पूर्णतया विशिष्ट होता है तो उसकी हस्तांतरण आय कितनी होती है, शून्य। तो ऐसी स्थिति में साधन को अपनी वर्तमान आय के बराबर लगान की प्राप्ति होगी। तो इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो साधन की जो वर्तमान आय है वो कितनी है, ओ पी ई एस के बराबर, ठीक है। और उसकी हस्तांतरण आय कितनी है, शून्य, क्यों? क्योंकि साधन क्या है, पूर्णतया विशिष्ट है, इसलिए तो हस्तांतरण आय शून्य है। तो इसका मतलब उसको वर्तमान आय के बराबर, मतलब ओ पी ई एस के बराबर उसको लगान की प्राप्ति होती है। और तीसरी स्थिति हमारी है आंशिक विशिष्ट साधन, ठीक है, या जिसे हम कह सकते हैं आंशिक अविशिष्ट साधन। और जब साधन आंशिक विशिष्ट होता है या आंशिक अविशिष्ट होता है तो साधन की पूर्ति पूर्णतया लोचदार से कम होती है, और हमारा जो पूर्ति वक्र है वो धनात्मक ढाल का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ऐसे होता है, और मांग वक्र हमारा वही ऋणात्मक ढाल का। फिर संतुलन कहाँ पे होगा, ई बिंदु पर। अब हम इस स्थिति में देखते हैं तो साधन की जो वर्तमान आय है वो कितनी है, ओ पी ई क्यू के बराबर, ठीक है। ये साधन की वर्तमान आय है, कितनी, ओ पी ई क्यू के बराबर। और जब साधन किसी दूसरे प्रयोग में कार्य करता है तो उसको जो आय मिलती है वो कितनी है, ओ एस ई क्यू के बराबर, ठीक है, ये उसकी हस्तांतरण आय है। तो जब वर्तमान आय में से हम इस हस्तांतरण आय को हटा देंगे, ये पूरा हटा देंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या बचेगा, ये वाला क्षेत्र, पी एस ई वाला क्षेत्र। तो ये साधन का क्या है, लगान है। मतलब साधन जब आंशिक विशिष्ट होता है तो उसको वर्तमान आय की तुलना में लगान थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो रेखा चित्र है उसमें लगान कितना है, पी एस ई क्षेत्र के बराबर, ठीक है। वर्तमान आय कितनी है, ओ पी ई क्यू इतनी है, और हस्तांतरण आय कितनी है, ओ एस ई क्यू है। तो बाकी का ये जो क्षेत्र है वो किसको दर्शाता है, लगान को, ठीक है। तो ये हमारा लगान का आधुनिक सिद्धांत है। अगर हम रिकार्डो के सिद्धांत से इसकी तुलना करते हैं तो रिकार्डो का सिद्धांत क्या कहता है कि जो लगान है वो किसको मिलता है, केवल भूमि को प्राप्त होता है। जबकि हमारा जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या कहता है, उत्पादन के सभी साधनों को लगान मिलता है। रिकार्डो ने क्या बताया, लगान क्यों मिलता है, क्योंकि भूमि के उपजाऊपन में अंतर पाया जाता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, वर्तमान आय और हस्तांतरण आय में अंतर के कारण लगान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और फिर जैसा कि रिकार्डो कहते हैं कि जो लगान होता है वो कीमत को प्रभावित नहीं करता है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि लगान जो होता है वो कीमत को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों की हम तुलना कर सकते हैं।